उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आज का हमारा टॉपिक और केस फुल माउथ बेजल इम्प्लान्ट्स इन थ्री डेज यानी कि बेजल इम्प्लान जो कि लेटेस्ट इम्प्लान्ट सिस्टम है पाकिस्तान में हमने मुतारफ़ करवाया है इसके ज़रिए आप पूरे मुंह के दांत सिर्फ तीन दिन में रिप्लेस कर सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आज की वीडियो में हम आपको बेजल इम्प्लान्ट और कन्वेंशनल इम्प्लान्ट का डिफरेंस बताएंगे और ख़ास तौर पर प्राइस बताएंगे कि प्राइस कितनी कॉस्ट कितनी आती है आपके बेजल इम्प्लान्त को लगाने में आपने पूरे मुंह के दांत लगाने है तो उसकी कॉस्ट क्या है ये सब कुछ और भी बहुत कुछ जितनी इन्फॉर्मेशन बेजल इम्प्लान्ट की हम आपको दे सकते हैं देंगे लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दें अब इस तरह के केस में जैसे आप देख रहे हैं कि पेशेंट के तकरीबन सारे दांत ख़राब हैं पीछे ब्रिजेस लगे थे काफ़ी सालों पहले जो कि अब हिल रहे हैं और यकीन आप सोच रहे होंगे जैसे ये दान जितने ख़राब हैं अब इनको लगाने के लिए भी हमें महीनों चाहिए होंगे और यकीनन ऐसा ही है पहले हमें महीनों दरकार होते थे कि काफ़ी तीन चार पाँच छः महीने लग जाते थे दान निकालते फिर ज़ख़म के हील होने का इंतज़ार करते थे और फिर इम्प्लान्ट्स लगाते फिर इम्प्लान्ट्स के हील होने का इंतजार करते थे इस के लिए हमें तकरीबन कुछ पेशेंट्स को तो सालों वेट साल साल भी वेट करना पड़ता था जिसमें बोन का प्रॉब्लम होता था लेकिन अब आपके पास एक लेटेस्ट इनोवेशन आ चुकी है पाकिस्तान में हमने ये बेजल इम्प्लान्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं इनके बहुत से फ़ायदे हैं जिसमें से एक ये भी है कि आपको फोरी दांत मिल जाते हैं आपको दांत निकालने के साथ ही इम्प्लांट्स इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है आपके पास कि आपने अब जैसे इस केस में हमने वो ब्रिज निकाला और ये भी दांत निकाल रहे हैं और इन दांतों को निकालने के साथ ही हम यहाँ पे इम्प्लान्ट्स कर देंगे जबकि पहले ऐसे नहीं होता था पहले ये होता था कि हम दांतों की एक्सट्रैक्शन करते थे जो दांत ख़राब हैं एक्सट्रैक्शन के बाद हड्डी वहाँ पर बनती थी या हमें इस खाली जो आपको होल्स नज़र आ रहे हैं इनमें बोन पैक करनी होती थी बोन पैक करने के बाद फिर हम इंतज़ार करते थे वहाँ हड्डी बने और फिर हम इम्प्लान्ट्स डालें इम्प्लांट्स डालने के बाद मजीद हमें तीन से चार महीने या किसी केस में छः महीने इंतज़ार करना पड़ता था कि वो हड्डी इम्प्लांट को पकड़ लेती थी और फिर ऊपर दांत लगते थे आप सब की इंफॉर्मेशन के लिए ये बेजल इम्प्लांट्स का कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं और सारी डेमोस्ट्रेशन आपके सामने होगी देखें हमने जहाँ एक्सट्रैक्शन की उसी टाइम पे हमने बेजल इम्प्लांट्स लगाए हैं अभी और देखिए चार इम्प्लांट्स एक साइड पे लग चुके हैं चार इम्प्लांट्स दूसरी साइड पर लगेंगे आठ इम्प्लांट्स के साथ हम पूरी आर्ज को फिक्स कर सकते हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि दांत लगने के साथ ही इम लगते हैं जैसे कि देखें फ़्रेश एक्स्ट्रैक्शन हुई हैं और उसी टाइम पे इम्प्लान्ट्स लग गए हैं और इम्प्लान्ट्स लगने के साथ ही हम दांत भी ऊपर ब्रिज लगा सकते हैं तो ये अब लेटेस्ट इनोवेशन इनका ब्रिज देखें दूसरी साइड का भी ब्रिज हमने निकाल दिया और अब बारी बारी इन दांतों को निकाल के यहाँ पर हम इम्प्लाट्स इंसर्ट कर देंगे और इंसर्ट करने के फ़ौर बाद ही हम नाप भी ले लेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हमें ये होता था कि पेशेंट्स के पास टाइम कम होता था यानी हफ़्ता दस दिन पंद्रह दिन या ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना लेकर आते थे और उसमें इम्प्लान्स नहीं हो सकते मतलब जो कन्वेंशनल इम्प्लान्ट्स थे उसके लिए तो हमें इम्प्लान्ट्स डाल के थ्री मंथ्स के लिए वापस भेजना होता था पेशेंट्स को अब अलहमदिल्ला हमारे क्लिनिक में हस्सान डेंटल क्लिनिक फेज़ एट बहरिया टाउन में आपके पास जो हम इनोवेशन लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में आप यकीन करें पहली बार हो रहा है और पाकिस्तान में बहुत ही कम क्लिनिक्स आपको ये ऑफर करेंगे और जहाँ ऑफर होगी भी वहाँ पे भी एक्सपर्टीज़ का इशू है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा और किसी एक्सपर्ट के पास जाना होगा जो कि पाकिस्तान में भी काफ़ी लैकिंग है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लिनिक्स में जो हसान डेंटल क्लिनिक है यहाँ पर हम काफ़ी टाइम से बेजल इम्प्लान्स प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप काफ़ी अरसे से देख भी रहे होंगे और हम प्रॉपर प्रोसीजर बताते भी हैं दिखाते भी हैं और सेटिसफाइड पेशेंट्स के रिव्यूज़ भी आपको दिखाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक और केस जो कि के कंप्लीट आई थिंक इसको ढाई तीन महीने हो चुके हैं अपलोडिंग में और बिजी होने की वजह से हम अपलोड ज़रा लेट करते हैं केसेस बट इस पेशेंट को भी तीन एक महीने तकरीबन हो चुके हैं दांत लगे हुए अब देखिए हमने दूसरी साइड की भी एक्सट्रक्शंस कर ली हैं और ये छः प्लान्स लग चुके हैं और ये इन एक दो एक दो घंटों में ये सारा कुछ हो जाता है ऐसा नहीं है कि आप पूरे मुंह के इम्प्लांट से तो पूरा दिन सर्जरी चलेगी ये फ़ौरन आपके सामने ही जिस तरह केस चल रहा है इसी तरह से कंफर्टेबली पेशेंट करवा रहे हैं कोई ऐसा पेनफुल प्रोसीजर नहीं है आपको पेशेंट के बॉडी लैंग्वेज से पेशेंट आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस नहीं है हम अच्छी तरह परफॉर्म एनस्थीजिया के साथ ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं पेशेंट खुश होता है और जब पेशेंट को तीन दिन में दान मिल जाए तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी क्योंकि इससे पहले पेशेंट को ऑप्शन महीनों का मिलता था कि छः महीने बाद आपके दांत लगेंगे उस दौरान खाने पीने का इशू और ये सारे प्रॉब्लम्स होते थे अब इम्प्लान्ट लगने के बाद की पिक्चर आपके सामने है और ये हीलिंग के बाद जब पेशेंट इम्प्रेशन के बाद जब दांत लगवाने आए तो देखें गम्स की हीलिंग कितनी अच्छी हो गई है कुछ मेडिकेशन हम ऐसी देते हैं जिससे गम्स की हीलिंग अच्छी हो जाती है और फिर हम ब्रिज इंसर्ट करते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे नंबर भी दिया हुआ है जहाँ पे आप व्हाट्सएप पे या कॉल करके कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं और अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या आप आ, आ, के पास टाइम कम है और आप इम्प्लान्ट्स करवाना चाहते हैं पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं आप व्हाट्सएप पे रबता करके इसकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और असेसमेंट भी ले सकते हैं अगर आपके पास एक्सरे हो तो हम उस एक्सरे में ज़्यादा बेहतर आपको गाइड कर देंगे कि कितने इम्प्लान्ट्स होने आम तौर पर जनरल रूल ये है कि नीचे के दांतों के लिए हमें आठ इम्प्लान्ट्स चाहिए होते हैं फुल माउथ को फिक्स करने के लिए जबकि ऊपर के दांतों में हमें आठ से दस इम्प्लान्ट्स चाहिए होते हैं बेहतर होता है कि टेन इम्प्लान्स हों और इसकी कॉस्ट के बारे में भी आमतौर पे ये बहुत ज़्यादा छुपाई जाती है ये बातें कि कॉस्ट पेशेंट को देख के पेशेंट के मुताबिक पेशेंट की हैसियत के मुताबिक बढ़ा देते हैं लेकिन हमारे ये असूल नहीं हैं हम एक फ़िक्स प्राइस रखते हैं जो कि एक नॉर्मल प्राइस होती है जो कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होती क्योंकि क्वालिटी को भी देखना होता है और पेशेंट की सेटिसफेक्शन को भी देखना होता है अब आप ये देख रहे हैं कि इस केसेस में हमने बेंडिंग भी की है प्लांट्स की क्योंकि हम हमें बेजल बोन को इंगेज करना होता है तो उसके लिए हमें बेंडिंग करके और प्रॉपर बेजल बोन इंगेज करनी होती है नर्व को बाईपास करना होता है आप देख रहे हैं जैसे कि एक साइड पर तो कॉस्ट का मैं जिक्र कर रहा था तो सेवेंटी थाउजेंड पर इम्प्लान्ट होते हैं सत्तर हज़ार का एक इम्प्लान होता है तकरीबन फुल माउथ आपकी फ़िक्स हो जाती है फाइव टू सिक्स लाख में और उसके ऊपर जो ब्रिज बनता है वो एट थाउजेंड पर यूनिट होते हैं तकरीबन बारह या चौदह दान बनते हैं एक ब्रिज के अंदर तो उसके मुताबिक ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं आमतौर पे पर ज़्यादा नहीं बताते और उसके बाद फिर पेशेंट को जब पता चलता है प्राइसेस का तो वो पेशेंट उसके मुताबिक फिर कोई नहीं करवा सकता क्योंकि इम्प्लांट्स की कॉस्ट ज़्यादा होती है प्रोसीजर ज़्यादा होता है तो उसके मुताबिक ये सारी प्राइसेस का भी मैंने आपको आइडिया दे दिया ये करंट प्राइसेस हैं जो कि पिछले एक साल एक, एक डेढ़ साल से यही प्राइसेस चल रही हैं और हमने डॉलर की फ्लक्चुएशन और मटेरियल इंपोर्ट इन सारी चीज़ों और कोविड को मद्देनज़र रखते हुए हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम प्राइसेस को अभी तक तो हमने कोशिश किया रेज़ ना किया जाए और पिछले कई सालों से हमारी यही प्राइसेस चल रही हैं और अब हम आपको दिखाएंगे कि ब्रिज फिक्स होने के बाद बेजल इम्प्लांट्स के ऊपर कैसा देखते है अक्सर लोग कहते हैं कि अभी तो आपने दान निकाले हैं और अभी तो हीलिंग ही नहीं हुई और आपने ब्रिज कैसे लगा दिया और वो ठीक लगेगा नहीं लगेगा तो उन सब के लिए भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि आप देख लें अभी ये ब्रिज लगा है, हुआ है फिक्स्ड हुआ है आप प्रॉपर मार्जिनस भी देखेंगे कि दांत किस तरह से गम के साथ अटैच हैं और नेचुरली लुकिंग स्माइल है और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ इसी पेशेंट के कन्वेंशनल इम्प्लान्ट्स हुए थे कई सालों पहले ऊपर के दांतों में आप देखेंगे आपने शायद एक्स्ट्री में भी देखा होगा कि ऊपर के दांतों में इनके कन्वेंशनल इम्प्लान्ट्स हुए हैं उसके लिए पेशेंट ने तकरीबन छः से आठ महीने वेट किया था फिर उनके ये दांत लगे थे और एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये होता है कि इम्प्लान्ट्स की लाइफ क्या होती है इम्प्लान्ट्स आर फॉर लाइफ टाइम इम्प्लान्ट्स लगे रहते हैं इम्प्लान्ट्स को दोबारा नहीं निकालना पड़ता या चेंज नहीं करना पड़ता जबकि जो ब्रिज ऊपर होता है वो जैसे नॉर्मल ब्रिज को हमें दस साल के बाद चेंज करना होता है ऑन एवरेज एट ईयर्स से लेके कर पंद्रह साल तक आठ से पंद्रह साल तक या एट ईयर्स टू फिफ्टीन ईयर्स तक हमें चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि आपके गम्स में एजिंग का प्रोसेस होता है गम्स आहिस्त आहिस्ता नीचे जाते हैं हीलिंग होती है और बल्कि रिसेशन होती है गम्स की आपकी बोन नीचे जाती है अब टॉप के आप देखें वहाँ पर बोन नीचे जा चुकी है पुराना ब्रिज था इन प्लांट्स पर जबकि ये अभी हमने जो ब्रिज लगाया प्रॉपर गम्स पे मार्जन्स पे बैठा हुआ है और इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि जब ब्रिज लग जाता है अभी आप मार्जन्स देखें प्रॉपरली गम्स के साथ सीटेड हैं लेकिन आठ से दस साल बाद बारह साल बाद अगर आपको लगे किसी में एजिंग जल्दी होती है किसी में एजिंग नहीं होती जैसे कि चेहरे पे झुरियाँ पड़ती हैं एज के साथ बोन श्रिंक होती है इंसान अपनी कमर को भी देखें तो थोड़ा सा झुकाव आ जाता है ये सारी एजिंग के अफेक्ट्स होते हैं इसी तरह जो जॉज में एजिंग का अफेक्ट होता है वो हड्डी का नीचे जाना है तो हड्डी वक्त के साथ नीचे जान जाती है तो टेन ईयर्स के बाद ब्रिज को चेंज करना बेहतर होता है ये सारे केस की समरी बिफोर आफ्टर आपके सामने हैं ऊपर कन्वेंशनल प्लान्ट लगे हुए थे नीचे हमने बेजल इम लगाए हैं कन्वेंशनल इम और बेजल इम में एक वाज़ फ़र्क ये होता है कि वो पैरेलल होते हैं और इनको अनपैरेलल रखना होता है इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें बहुत से डिफरेंस होते हैं लेकिन छोटी सी वीडियो में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता था इसके बारे में मैंने दी है और आपको फिर भी कोई सवाल हो कोई क्वेश्चन हों आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी रबता कर सकते हैं कमेंट्स में भी लिख सकते हैं आपको इनशाला रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा और इम्प्लान्स हमारी स्पेशलिटी है और इसके अलावा भी सारी डेंटिस्ट्री डेंटिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे चैनल पर रबा करके या हमारे नंबर्स पर रबा करके पूछ सकते हैं बस आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आप वीडियो देखते हैं आप उसको लाइक भी किया करें कमेंट्स किया करें जो सवाल हों और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़ अल्लम वरहि वर्कू